हेलो एवरीवन, इट्स मी तनुजा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर गोइंग रियली गुड। सो टुडेज वीडियो इज अ ब्लैक ड्रेस हॉल वीडियो। जैसा आपको पता है, आप ब्लैक ड्रेस हर एक कॉम्प्लेक्स पे जाता है, लाइक और हर एक आउटफिट पे भी जाता है। ब्लैक ड्रेस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बस ब्लैक ड्रेस कोई भी हो आप उसे पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। और पार्टी के लिए तो ब्लैक ड्रेस इज लाइक वेरी, आप बोल सकते हैं वेरी ट्रेंडी। लाइक आपको हर पार्टी में एक ना एक ब्लैक ड्रेस पहने में कोई ना कोई लड़की दिखी जाएगी। और मेरा खुद का फेवरेट कलर भी ब्लैक ही है। लाइक कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं ब्लैक ड्रेस ही पहनती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा ब्लैक ड्रेस है और मैंने अभी फिर से इतना सारा ब्लैक ड्रेस परचेस किया, बट सारा ड्रेस मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सारा ड्रेस मेरा खुद का बहुत पर्सनली फेवरेट ड्रेस है। सारा यूनिक ड्रेस मैंने परचेस किया, लाइक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो। तो चलिएगा इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोर मिनट ऑफ टाइम। लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। दिस इज माई फर्स्ट आइटम गाइज, ये ब्लैक कलर का ड्रेस है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस हॉल में सिर्फ ब्लैक ड्रेस आपको मिलेगा। एंड द स्टाइल ऑफ दिस ड्रेस इज टोटल नेक है इसका और बाजू इज लाइक पफ स्लीव्स बाजू है। पूरा ब्लैक ड्रेस है। द मटेरियल इज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि ये थोड़ा सा भी स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं है। थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट अगर ये स्ट्रेचेबल ना हो तो थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होता है। सो यार, पीछे से इन्होंने एक जिप लगा के रखा हुआ है। द स्लीव लेंथ इज फुल स्लीव्स और नीचे में लाइक बॉटम पे इन्होंने फिर से वही वाला मटेरियल, कॉटन वाला ब्लैक कलर का वो लगाया हुआ है। एंड बाकी पार्ट इज नेट मटेरियल, बट द नेट इज ऑल्सो नॉट दैट मच गुड, क्योंकि ये थोड़ा लाइक सॉफ्ट में नेट नहीं है मटेरियल। नेट का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट नहीं है। ओवरऑल ड्रेस का जो स्टाइल है इज प्रिटी गुड। आई लाइक द स्टाइल ऑफ ड्रेस बट नॉट द मटेरियल। मटेरियल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट हाँ स्टाइल मेरे को अच्छा लगा। ऐसा मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस मैंने शीन से परचेस किया था, ग्रीन कलर का, सेम वैसा ही ड्रेस है, बट उसका मटेरियल थोड़ा अच्छा मेरे को लगा एज कम्पेयर टू दिस। सो यार गाइस, दिस इज माई फर्स्ट आइटम। और ये नी तक आपका ये ड्रेस थोड़ा नी से ऊपर ही आएगा, नी तक भी नहीं, थोड़ा नी से ऊपर ही आएगा। सो या इसमें मेरा साइज है मीडियम, मैंने परचेस किया है। प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज 1600 रुपीज, बट आई गॉट इट आई थिंक 440 रुपीज में, विच इज अफोर्डेबल। फंडे फैशन ब्रांड का नाम है फंडे फैशन। सो या गाइस, दिस इज माय फर्स्ट आइटम। तो चलिए मैं आपको अभी से पहन के दिखा। सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, व्हाट आई हैव गॉट इज अगेन उसी तरह का पैकेजिंग आया है इसके अंदर। ये ड्रेस मुझे इसका जो स्टाइल था, जो मॉडल पहनी हुई थी, वो मुझे ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस परचेज किया। और ये ऐसा ड्रेस आपने बहुत सारे लोगों के पास भी देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी ड्रेस है। तो मैं आपको स्टाइल इसका दिखा देती हूँ। ये ड्रेस कुछ इस तरह से है, लाइक ऊपर से पूरा प्लेन है, नथिंग लाइक, कोई भी डिज़ाइन वाइन नहीं है, कोई भी कट मार्क नहीं है ऊपर से। और ये स्लीवलेस ड्रेस है, राउंड नेक है एंड लाइक नीचे का पार्ट इज लाइक यहाँ पे रूश मटेरियल है। आप इसे ये दो रिबन आप इसे ऊपर की तरफ खींच भी सकते हैं, ताकि ये बहुत आपके बॉडी पर और अच्छे से फिट हो जाए। तो दोनों तरफ इन्होंने दिया हुआ, ये आपका पूरा ऊपर ऐसे रूश टाइप बन जाएगा, ऐसे से पूरा ये हो जाएगा। वो मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा।
सो या गाइस दिस इज द सेकंड आइटम, ये भी जरा भी स्ट्रेचेबल नहीं है, बट द क्वालिटी उससे थोड़ा, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी है इसका। एंड सेम राउंड नेक है, कोई भी कट वर्ट नहीं है, आगे से पूरा प्लेन ड्रेस है, नथिंग, कुछ भी डिजाइन नहीं है। एंड द ब्रांड नेम इज अहवन ब्रांड का है, इसमें मेरा साइज है स्मॉल। आई थिंक ये मुझे बहुत टाइट होने वाला है, क्योंकि देख के भी लग रहा है थोड़ा सा भी स्ट्रेचेबल नहीं, और मैंने ऊपर से स्मॉल परचेज किया है। अगेन 440 में ही ये मुझे मिला है, मेरे को एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगी एंड स्क्रीन पे आपको प्राइस पॉपअप कर रहा होगा, आपको दिख जाएगा। सो या गाइस दिस इज सेकंड आइटम, चलिए मैं आपको इसे पहन के कोई भी स्लीव्स नहीं है, एक्स्ट्रा स्लीव्स नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो स्ट्राइप वाला ड्रेस पहनने में, देन यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस ड्रेस। इसका लुक मुझे काफी अच्छा लगा, ये मैंने जब मॉडल को देखा हुआ था, लाइक साइड पे जब मैंने इसका पिक देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था ये टॉप अलग से आएगा, स्कर्ट अलग से आएगा, बट लाइक ये पूरा अटैच है, पूरा अटैच है, और आगे से वी नेक है, एंड लाइक फ्रॉम द बैक ये स्क्वायर नेक है। ब्रांड का नाम है ट्रेंच क्रिएशन एंड माय साइज इज स्मॉल, मैंने परचेज किया। इसका ओरिजिनल प्राइस 1400 रुपीज है, एंड आई थिंक ये मुझे 600 समथिंग में मिला है, मेरे को एग्जैक्ट प्राइस इसका भी याद नहीं है, तो स्क्रीन पे आपको पॉपअप कर रहा होगा, प्राइस आपको दिख जाएगा। सो या गाइस दिस इज द थर्ड आइटम एंड द क्वालिटी मतलब एज कम्पेयर टू वो दोनों से ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, बट आई थिंक ये ब्लैक ड्रेस में ऐसा ही कपड़ा आता है, क्योंकि तीनों का सेम मटेरियल था, तो आई थिंक आपको फ्लिपकार्ट पे ऐसा ही वाला क्वालिटी मिलेगा ज़्यादा। और नीचे से रफल वाला बना हुआ है डिज़ाइन, इसका रफल डिज़ाइन है, एज यू कैन सी लाइक जो पहले स्कर्ट में आता था वैसा ये डिज़ाइन है, टॉप पे भी आप देख सकते हो वैसा ही सेम रफल वाला डिज़ाइन है, वी नेक है। पैकेजिंग सेम वाला जो पैकेट होता है उस तरह से ये पैकेट में आया है, तो चलिए मैं इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको इसका पहले फोटो दिखा दी, क्योंकि लॉन्ग ड्रेस है, आपको उतने से पता नहीं चलेगा, तो ये कुछ इस तरह से ड्रेस है, आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से है। पीछे से इन्होंने एक जिप लगा के रखा हुआ है, आगे से वी नेक है, बट इसका दो पार्ट है, आप देख सकते हैं, अंदर से भी इन्होंने सेम वो वाला ही डिज़ाइन किया हुआ, और ऊपर से फिर एक डिज़ाइन है, और ये लॉन्ग ड्रेस है, पीछे से एक कट है नीचे पे बॉटम पे, और इसका फुल स्लीव्स बाजू है। सो या गाइस इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रेचेबल भी है, ये कंफर्टेबल होगा पहनने पे, और स्ट्रेचेबल भी है, तो आई थिंक इसका क्वालिटी वो तीनों से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका क्वालिटी है। एंड अगेन इसमें मेरा साइज है मीडियम, एंड द ओरिजिनल प्राइस इज 1700 रुपीज, बट ये मुझे 884 रुपीज में मिला है। इली लंडन ब्रांड का नाम है, एंड माय साइज इज स्मॉल, सॉरी नॉट मीडियम, माय साइज इज स्मॉल। सो यार गाइस दिस इज द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल। स्लीव्स पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचेबल सा है, तो यहाँ पे पफ स्लीव्स, आपका दोनों तरफ से पफ स्लीव्स का वो डिजाइन है, स्लीव्स का उसी तरह से है। सो यार गाइस दिस इज द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल।
Yeah guys, that's it for today's video. I hope you like it. If you don't forget to hit the like button and also if you haven't subscribed my channel yet, तो भाई please subscribe कर देना मेरे channel को. Instagram, आप मेरे Instagram पे भी follow कर सकते हो. वहाँ पे आप अपना query या फिर कुछ भी suggestion मुझे बता सकते हो या फिर आप मेरे comment box पे भी comment कर सकते हो. I hope आपको ये video अच्छा लगा. तो चलिए मिलते हैं next video में. तब तक के लिए bye.